हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। यूनिट नंबर थर्ड अपने पास में है, जो आपके पास में है ऑपरेशन ऑन ग्राफ। यूनिट नंबर जो थर्ड है आपके पास में, वो आपके पास में है ऑपरेशन ऑन ग्राफ। यूनिट नंबर थर्ड में है ये टॉपिक ऑपरेशन ऑन ग्राफ, ग्राफों पर संक्रियाएं। अब सबसे मेन चीज ये है कि ग्राफों पर संक्रियाएं कितने टाइप से होती है। तो ग्राफों पर संक्रियाएं कौन कौन से हो सकती है, बोले या तो यूनियन हो सकता है दो ग्राफों पे, या दो ग्राफों का इंटरसेक्शन अपन लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर दो ग्राफों के लिए अपन रिंग सम निकाल सकते हैं। तो ऑपरेशन जो होता है ग्राफों पर संक्रियाएं, वो कितने टाइप से होती है, वो या तो होगा यूनियन के लिए ग्राफों पर संक्रियाएं, ग्राफों पर संक्रियाएं। अब ग्राफों पर संक्रियाएं क्या क्या होती है, या तो यूनियन, या फिर इंटरसेक्शन, या फिर रिंग सम। तो ये तीन पार्ट अपने को करना है इस टॉपिक के अंदर। अपन सबसे पहले डिस्कस करना चाह रहे हैं दो ग्राफों का संघ, यूनियन ऑफ टू ग्राफ। तो अपने पास में जो फर्स्ट पार्ट है वो है दो ग्राफों का संघ, यूनियन ऑफ टू ग्राफ। टू ग्राफ, दो ग्राफों का संघ, दो ग्राफों का संघ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कंसीडर कर लेते हैं कि कोई दो ग्राफ है और उन दोनों ग्राफों का संघ यानी यूनियन को अपन कैसे डिफाइन करेंगे। तो अपन सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि माना कोई ग्राफ है आपके पास में, माना कोई दो ग्राफ, कोई दो ग्राफ G1 इक्वल टू V1 E1, कोई एक ग्राफ तो है G1 इक्वल टू V1 E1, तथा कोई दूसरा ग्राफ है G2 इक्वल टू है V2 E2, G2 इक्वल टू V2 E2, तब दोनों ग्राफों का संघ, ग्राफों का संघ, दो ग्राफों का संघ क्या हो जाएगा आपका उसमें, यूनियन यानी G1 यूनियन G2, ठीक है। इसका नाम दे दो कुछ ना कुछ, जी दे दो, जहां वी जो होगा यानी वी क्या है मानी वर्टेक्स, जहां वी क्या होगा वो तो होगा V1 यूनियन V2, और ई भी क्या होगा आपका उसमें E1 यूनियन E2। अच्छा, V मतलब वर्टेक्स, शीर्ष जितने भी शीर्ष है आपके पास में, और E मतलब क्या होते हैं एजेस, ये अपन जानते हैं। तो सबसे पहले यानी वर्टेक्सों का भी यूनियन होना चाहिए। यूनियन होने जैसे मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों डायग्राम में से कहीं अगर एक बार भी अगर उपस्थित है तो उसको आपको यूनियन में लेना है, इंट्रोड्यूस करना है, अगर दोनों में कहीं पर भी अगर उपस्थित है तो, ठीक है। अगर दोनों में उपस्थित, दोनों में अगर उपस्थित है तब एक बार लेना, यानी कॉमन पार्ट कोई अगर है तो, और अगर कोई कॉमन पार्ट नहीं है तो उसमें से आपको क्या करना है, इसमें हो चाहे इस वाले पार्ट में हो आपको तो लेना ही है हमेशा, आपको तो हमेशा लेना ही है, ठीक है। तो ये होता है उसमें क्या, दो ग्राफों का संघ यूनियन। इंटरसेक्शन और देख लेते हैं, फिर अपन एक डायग्राम बना करके यूनियन इंटरसेक्शन सबके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर जो सेकंड पार्ट आपका उसमें है वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ। तो सेकंड आपका उसमें है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ या ऑन टू ग्राफ, ऑन टू ग्राफ। दो ग्राफों का सर्वनिष्ठ, दो ग्राफों का सर्वनिष्ठ, ये आपके पास में टॉपिक है। दो ग्राफों का सर्वनिष्ठ,
फिर से आपको दो ग्राफ मानना पड़ेगा। कंसिडर कर लेते हैं कि लेट एक कोई ग्राफ है जी वन इक्वल टू वी वन ई वन एंड कोई दूसरा ग्राफ है आपके पास में जी टू इक्वल टू वी टू ई टू। एक ग्राफ तो है जी वन इक्वल टू वी वन ई वन और एक ग्राफ आपके पास में क्या है जी टू इक्वल टू वी टू ई टू। कोई दो ग्राफ है आपके पास में और इन दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया कि इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे जी वन इंटरसेक्शन जी टू, जिसको नाम देते हैं अपन जी। जहां देखो फिर से वही चीज है, जहां अब जी का जब इंटरसेक्शन होगा तो शीर्षों का भी होगा, यानी वी वन इंटरसेक्शन वी टू और ई वाला जो पार्ट होगा ये होगा ई वन इंटरसेक्शन आपस में क्या होगा ई टू। ये वाला पार्ट क्या होगा ई वन इंटरसेक्शन ई टू, ठीक है। तो ये किसके लिए आपके पास में है, दो ग्राफों का किस किस के लिए, या तो यूनियन के लिए या फिर दो ग्राफों का क्या होना चाहिए सर्वनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए देखो अपन इसको एक क्वेश्चन से इसके लिए समझ लेते हैं अपन। कोई दो डायग्राम बना रहे हैं अपन, एक सबसे पहले देखो डायग्राम बनाना चाह रहे हैं, एक वर्टेक्स वी वन फिर वी टू और वी थ्री, ये है वी टू ये है वी थ्री फिर है एक वी फाइव, वी फाइव का वी टू और वी फोर कैसा भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि ये लेना है वी फोर, वी फोर और वी फाइव इसका नाम है ई सिक्स, वी वन वी टू जो है इसका नाम है ई वन और इसका नाम आपका इसमें है ई टू, वी थ्री वी फाइव का नाम है ई फाइव और वी टू और वी थ्री भी मिला हुआ है इसका नाम है ई थ्री और वी टू वी फोर जो है इसका नाम है ई फोर, इसका नाम है ई फोर, ठीक है। तो एक ग्राफ तो ये है जिसका नाम आपके पास में है जी वन इक्वल टू वी वन और ई वन, एक ग्राफ तो ये है, ठीक है। एक नेक्स्ट ग्राफ आपके पास में है, देखो वो किसके लिए है, इसका नाम है वी वन, वी वन के बाद में फिर देखो यहाँ पे है इसका नाम है वी टू, वी टू के बाद में वी थ्री, वी थ्री और वी वन और वी थ्री भी मिला हुआ है, वी वन और वी टू जो है ये है आपका इसमें है ई एट, ई एट वी वन और एक वी सिक्स भी है वी सिक्स, ये आपका इसमें है ई सेवन, ठीक है। और वी थ्री और वी सिक्स भी मिला हुआ है ई नाइन से, ये मिला हुआ है ई नाइन से। वी टू और वी फाइव पे आ जाओ फिर, ये वी फाइव है जिसका नाम है ई इलेवन, वी थ्री और वी फाइव भी है ई फाइव, इसका नाम है आपका इसमें ई फाइव, वी फाइव वी सिक्स इसका नाम है ई टेन, इसका नाम है ई टेन। ये सब नाम है आपका पहले से दिया हुआ है ये सब, ठीक है। वी वन पे तीन वर्टेक्स, वी टू पे भी तीन, वी थ्री पे चार, वी फाइव पे तीन और वी सिक्स पे भी टोटल तीन। ये डायग्राम जो है ना आपका उसमें ये शेप जो है ये पहले से गिवन होगा आपका उसमें शेप, जरूरी नहीं कि यही शेप हो, कैसा भी शेप आ सकता है। और इसका जो नाम है ये अपन ले लेते हैं जी टू इक्वल टू वी टू और ई टू, ये कोई दूसरी शेप है और ये कोई फर्स्ट ग्राफ है। इन्हीं दोनों ग्राफों के लिए अपन एक बार तो यूनियन इंटरसेक्शन और रिंग सम सारे सारे पार्ट अपन करेंगे, ठीक है। तो इनको अपन देखो सॉल्व करने के लिए, अब देखो दो ग्राफ है, सबसे पहले ये वर्टेक्स देखोगा, चाहे ये जो V1 V2 इसमें लिखे हो ये सारे सारे जो है ना ये सेम ही है, सेम है मतलब ये जो V1 है ये इस तरीके से है, ये V1 वाला पार्ट मतलब ये है V1, ठीक है। ये जैसे V3 है तो ये वाला V3 है, ये V3 है, एक ही चीज़ है। ये जो V5 है ये V5 कौन सा है आपका इसमें, ये है V5। ये जो V4 है आपके पास में, ये देखो V4 है ये वाला पार्ट V4, ये V2 जो आपके पास में है ये किस कौन सा वाला V2 है, V2 ये है V2, ठीक है। तो ये सारे सारे वर्टेक्स आपके पास में,
और एजेज आपका उसमें गिवन। जरूरी नहीं है कि सिक्वेंस में ही एजेज हो। सिक्वेंस में कैसे, कि V1 V2 को E1 से ही मिलाना है या V1 V3 को E2 से ही मिलाना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको आपको सिक्वेंस में ही मिलाना हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये दो ग्राफ है और इन्हीं दोनों ग्राफों को आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। यानी सबसे पहले निकालना आपको संघ और फिर निकालना आपको क्या, इंटरसेक्शन। सबसे पहले देखो अपन संघ की बात कर रहे हैं, तो वर्टेक्स सबसे पहले बना दिया करो। देखो वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव, वी वन वी टू वी थ्री वी फोर इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, वी फाइव और वी सिक्स, तो टोटल छः हो गया आपके पास में। तो छः वर्टेक्स ले लेते हैं, कहीं भी ले लो, ये ले लेते हैं वी वन, एक ले लेते हैं कहीं भी ले लेते हैं ये वी टू, एक ले लेते हैं ये वी थ्री, एक ले लेते हैं वी फोर, एक ले लेते हैं कहीं पे वी फाइव, मन से ले लो कहीं भी, ये वी सिक्स। ये फर्स्ट वाला जो पार्ट बना रहे हो, इन दोनों ग्राफों का जी वन यूनियन जी टू की बात कर रहे हैं अपन, कि इन दोनों का यूनियन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो जितने शीर्ष हैं, जितने वर्टेक्स हैं, उन सभी वर्टेक्स को ले लिए। अब देखो किससे कौन सा मिला हुआ है, ये एज जो मिला हुआ है वी वन वी टू से ई वन मिला हुआ है, तो वी वन वी टू से आपको भी ई वन मिलाना है, यानी वी वन वी टू को ई वन नाम देना है। तो वी वन और वी टू को देखो मिला दिए यहाँ पे, इसका नाम क्या है, ई वन। अब वी वन वी टू देखो उसमें भी मिला हुआ है क्या, दोनों में देखना साथ में, बोला वी वन वी टू इसमें मिला हुआ है, लेकिन इस एज का नाम क्या है, कोर जो है इसका नाम है ई एट, तो वी वन वी टू को एक और मिलाना है ई एट से, तो वी वन वी टू को एक और मिलाना है ई एट से, तो वी वन वी टू को देखो एक और मिला देते हैं अपन ई एट से, ये और मिला हुआ है, इसका नाम है ई एट, इसका नाम क्या है, ई एट, सही है। अब आ जाओ दोबारा से, अब ई एट के बाद में देखो, अब वी वन वी टू का काम हो गया, अब दूसरे पे जाओ, वी वन देखो वी थ्री ई टू, वी वन वी थ्री जो है ई टू से, वी वन वी थ्री जो है V1 और V3, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये एज जो है ये किससे मिला हुआ है, V1 और V3, तो V1 और V3 मिला हुआ है E2 से, तो यहाँ पे भी E2 नाम दे दो इसका, ये E2 से मिला हुआ है V1 और V3, इसमें मिला हुआ है क्या V1 और V3, वो भी देख लो, तो V1 और V3 इसमें मिला हुआ है, इसका भी नाम होगा V1 V3 से जो मिला हुआ है, इस V1 V3 से जो मिला हुआ है देखो इसका नाम क्या है, E2 नाम है इसका भी, ये जो मिला हुआ है इसका भी नाम है E2, V1 V3 जो मिला हुआ है इसका नाम है E2, और एक V2 V3 और बच गया, तो V2 और V3 से जो मिला हुआ है ये E3 है, तो ये जो मिला हुआ है इसका नाम है E3। नाम होंगे तभी तो बना पाओगे शेप उसके लिए। तो देखो V1 V3 इसमें भी E2 इसमें भी E2, तो कॉमन पार्ट है, तो यानी आपको एक बार ही लेना है सिर्फ और सिर्फ, मिला दिए अपन, तो V1 को V2 से मिला दिए, V1 को V3 से मिला दिए, तो V1 को देखो V2 से मिला दिए, V1 को V3 से मिला दिए दोनों का, इसका तो इधर वाले शेप का तो काम हो गया। इस वाले में देखो और भी कोई है क्या, V1 को और भी किससे मिला हुआ है क्या, तो बोला V1 एक V6 से और मिलाना है, तो V1 को V6 से मिलाना है और E7 नाम देना है, तो V1 V6 E7, V1 V6 और E7, V1 V6 और E7, V1 को V6 से मिलाना है और जिसका नाम है E7, ये देखो अपन इसको मिला दिए, सारे एक जैसे ही काम है। अब देखो और भी कोई मिला हुआ था कि ये वाला पार्ट, ये भी चेक कर लो, V1 V6 से हो गया, V1 V2 से हो गया और V1 V3 से हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, अब V2 को देख रहे हैं, V2 V3 E3, V2 V3 E3, V2 V3 E3, ये भी देखो इससे मिला हुआ है, इसका नाम है E3, तो V2 V3 देखो इधर भी मिला हुआ है क्या, वो चेक कर लो, V2 और V3 इसमें भी देखो E3, तो सेम है, तो सेम वाले को अपन नहीं लिखते दोबारा, V2 V3 E3 सेम ही रहेंगे, ठीक है। और देखो V2 V4 E4, V2 V4 E4, V2 V4 और E4, V2 V4 मिला हुआ है और ये मिला हुआ है इसका नाम है E4, तो इधर वाले तो देखो V2 को सबको मिला दिए अपन, अब इस वाली शेप में भी तो देखोगे V2 किसके से मिला हुआ है, V2 को V4 से मिला दिए
V1 मिला चुके हैं, V2 V3 मिला चुके हैं, V2 V5 E11। तो V2 को V5 से मिलाना है और E11 नाम देना है। V2 V5 से मिलाना है और E11 नाम देना है, और इसका नाम देना है आपको E11। ये तो हो गया देखो V2 के लिए। सेम यही काम करते रहना आपको। तो बस अब V3 वाले पे जाओ। V3 वाले पे कैसे कि V3 देखो किस किस से मिला हुआ है। V3 V1 मिला ही दिए, V3 V5 E5। तो V3 V5 जो है ना वो E5 है, V3 जो V5 है वो E5 है। V3 V5 ये जो है ना आपका इसमें इसका नाम क्या है E5। V3 V5 और भी देख लो, और भी कोई V3 है क्या? V3 हो गया V5 से, V3 V1 से मिला हुआ ये। इसमें देख लो V3 किसके से मिला हुआ है, V3 V1 मिला चुके हैं, V3 V6 E9, V3 V6 जो है वो E9 है, ये और मिला हुआ है E9 से। ये वाला जो पार्ट है, ये अभी जो बनाए हो, इसका नाम क्या है E9, इस वाले शेप का अभी जो बनाए हो, ध्यान से देखते रहना। तो V3 V6 भी हो गया, और भी कोई V3 से मिला हुआ है क्या? V3 को V6 से मिला दिए, V3 देखो V5 से मिला हुआ है E5। तो V3 V5 जो है वो है E5, V3 V5 जो है वो है E5, वो मिला चुके हैं। अब देखो इधर वाले में तो देखो सारे सारे शेप आ गए, सब मिल गए इधर वाले में। इधर वाले में कोई बच गया है क्या? तो इधर वाले में देखो कौन कौन सा बच गया आपका इसमें, बोले एक तो देखो V6 और V5 को मिलाना है E10 से। तो V6 V5 E10, तो ये भी एक मिला हुआ है जिसका नाम है E10। यानी दोनों में सर कहीं एक बार भी और कहीं से मिला हुआ है ना, तो आपको इस वाले शेप के अंदर मिलाना है, और नहीं मिला हुआ है दोनों में अगर कॉमन है तब तो एक बार लेना है, दोनों में अगर कहीं एक जगह भी उपस्थित है तो एक बार तो आएगा ही आएगा। तो उसमें वाला भी आएगा, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, सेकंड पार्ट का भी आएगा। और देखो V3 वाला पार्ट हो ही गया। अब V4 भी देखो मिला हुआ है किसी से, V4 तो देखो इसमें था ही नहीं, इसी में था V2 से और V5 से। V5 से भी देखो मिला हुआ है, V4 और V5 देखो इसी मिला हुआ है E6। तो इसका नाम और क्या है? E6 है ना, इसका नाम क्या होगा इसमें? E6। और देखो कौन सा रह गया, V3 V4 भी देखो मिला हुआ है, V3 V4 नहीं मिला हुआ है इसमें, है क्या V3 V4? नहीं है, हो गया खत्म इसका। तो V1 को इनसे मिला दिए, V3 को देखो, V3 V6, V3 V2, V3 V5, V3 V6, V3 V6 को भी मिलाना है, तो एक V3 V6 को भी मिला दो, V3 V6, और नाम क्या आ जाएगा V3 V6 का? V3 और E9, तो इसका नाम आ जाएगा E9, तो इसका नाम आ जाएगा उसमें E9, इसका नाम है E9। ये जो मिला है ना अभी भी जस्ट ये वाला पार्ट, ये नाम है E9। ठीक है, इनको एक बार मिला हुआ है तो आपको मिलाना आपको तो इसके अंदर। और भी कोई पार्ट बच गया वो भी एक बार चेक कर लो, सारे सारे पार्ट आ जाने चाहिए यूनियन के अंदर। V1 में टोटल 4 होने चाहिए, V2 में 5, V3 में 4, V5 में भी 4, V4 में 2। सारे सारे पार्ट आ गए नहीं आए ना, तो इस वाले पार्ट से और चेक कर लो, सारे सारे पार्ट आ गए वैसे तो। और कोई अगर बचा हुआ है तो उसको भी आपको क्या करना है, उसके अंदर मिलाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके अंदर यूनियन का पार्ट निकालते हैं, जिसको हम डिफाइन करते हैं यूनियन से, यानी G1 यूनियन G2। अब अपन किस पे चलेंगे यूनियन के बाद में? इंटरसेक्शन।
इसी वाले शेप का अपन फिर से बनाना चाह रहे हैं इंटरसेक्शन। यूनियन वाले पार्ट और भी निकाल सकते हो आप लोग, लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसी वाले पार्ट का बता रहे हैं। अब अपन जा रहे हैं इंटरसेक्शन वाले पार्ट पे कि इंटरसेक्शन का मान क्या आएगा आपके पास में। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो पार्ट कॉमन होता है सिर्फ और सिर्फ वही पार्ट लिया जाता है। कॉमन वाले पार्ट का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले देखेंगे अपन कि कॉमन पार्ट कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ उसी पार्ट को लेंगे। तो अब जो अपन बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंटरसेक्शन, यानी G1 इंटरसेक्शन G2 बना रहे हो, G1 इंटरसेक्शन G2। जो जो पार्ट कॉमन है सिर्फ और सिर्फ उसी को लेना है। कॉमन वाले पार्ट देख लो कौन कौन से हैं, बोले V1 V2 E1, V1 V2 E8 है, नहीं है कॉमन। V1 V3 E2, V1 V3 E2, तो V1 V3 और E2 नाम दे देते हैं, V1 V3 और E2। ये हो गया V1, ये हो गया V3 और इसका नाम हो गया होगा इसमें E2। एक तो ये कॉमन है V1 V3, और देखो कौन सा कॉमन है, ये V1 V3 कॉमन है, जो कॉमन इसको दिखा देता हूँ V1 V3, एक तो ये कॉमन है। फिर V2 V3 E3, एक तो ये भी कॉमन है V2 V3 E3, V2 V3 E3। तो V2 और V3 मान लेते हैं कहीं भी यहाँ पे है V2, तो V2 V3 E3, तो ये V2 है, ये तो हो गया V3, ये आवास में है V2, V3 V2 E3, देख लो यही है क्या, V2 V3 E3 सही है। और भी कोई है क्या, V3 V5 E5, V3 एक देखो ये भी कॉमन है, V3 V5 जिसका नाम है E5। तो V3 V5 को मिलाना है E5 से, किस किस को, V3 को और V5 को E5 से, V3 को V5 से। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई है V5 और ये मिलाना है E5 से, V3 V5 E5, देख लो एक बार यही है क्या, V3 V5 E5। और भी कोई कॉमन है क्या, V5 V4 E6, V5 और V4 E6 नहीं है, V4 V2 E4, V4 और V2, ये रहा V2 और V4, देखो इसमें है ही नहीं, और कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं आपके पास में, और कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो शेप आपके पास में है, इस शेप का नाम क्या आपके पास में, इंटरसेक्शन, यानी उन दोनों ग्राफों का क्या हुआ, ये इंटरसेक्शन। तो इसको अपन किस तरीके से बताते हैं, बोले इंटरसेक्शन है उन दोनों ग्राफों का, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, इंटरसेक्शन है उन दोनों ग्राफों का। अब इंटरसेक्शन के बाद में एक पार्ट और आता है, रिंगसम वाला पार्ट, उसको और अपन परिभाषित कर लेते हैं। दो ग्राफों का हो गया आपका इसमें सर्वनिष्ठ वाला पार्ट, उसको अपन बोलते हैं दो ग्राफों का वलय योग, रिंग सम। देखो लिख देता हूं यहां पे, दो ग्राफों का वलय योग, दो ग्राफों का वलय योग, रिंग सम ऑफ टू ग्राफ, रिंग सम ऑफ टू ग्राफ। अब इसको ध्यान से देखें ना, रिंग सम ऑफ टू ग्राफ का देखो, पहले अपन यूनियन में देखो तो कैसे परिभाषित करते थे। अगर मान लो आपके पास में ए रिंग सम, अच्छा ये साइन होता है रिंग सम का वलय योग, ए रिंग सम बी था आपके पास में, इसको अपन देखो ये लिखते थे ए यूनियन बी, और फिर क्या था आपके पास में माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला तो पार्ट था। या फिर देखो इसको अपन ये भी लिखे थे, आपको बताओ तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इस तरीके से तो अपन इसको लिखते थे। तो अपने को इनमें से कोई एक से ही तो मतलब है, यानी यूनियन वाले पार्ट की जगह रिंगसम वाला पार्ट निकालते हो तो इसमें से यूनियन वाले पार्ट में से क्या करना पड़ेगा आपको, जो कॉमन पार्ट है उस कॉमन वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, यूनियन वाले पार्ट से कॉमन वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा।
अब रिमूव कैसे करना पड़ेगा इसके लिए, अब देखो ये ग्राफ हमें चल रहा है तो इसको देखो ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं अपन, तो अपन ग्राफ के हिसाब से देखो इसको कैसे लिखेंगे कि अगर मान लो G1 रिंग सम G2 हो आपके पास में, G1 रिंग सम G2, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो G1 यूनियन G2 बना लो, यानी उन दोनों ग्राफों का सबसे पहले निकाल लो यूनियन, और उसमें से हटा दो क्या G1 इंटरसेक्शन G2, यानी उस यूनियन वाले पार्ट में से इंटरसेक्शन वाले पार्ट को क्या करना है आपको रिमूव करना है, तो वो जो शेप आएगी आपके पास में वही शेप किसकी रहेगी G1 रिंग सम G2, तो वो वाली जो शेप आएगी उस शेप का नाम होगा आपके पास में G1 रिंग सम G2, G1 G2 का वलय योग, इसको अपन बोलेंगे G1 G2 का वलय योग, ठीक है, क्लियर है। तो G1 G2 का वलय योग वाले पार्ट को इन सबसे पहले तो यूनियन, और यूनियन निकालने के बाद में माइनस करना है वो किसको G1 इंटरसेक्शन G2 वाले पार्ट को। अगर उसी वाले शेप से देखोगे तो सबसे पहले यूनियन की शेप देख लिया करो, यूनियन की शेप देखो अपन ये बनाए थे यूनियन की शेप, ये तो यहाँ पे बता दिया मैं आपको रिंग सम वाले पार्ट इसी डायग्राम में बनाने के लिए, और यूनियन की जो अपन शेप बनाए थे वो वाली शेप देखो कौन सी थी आपको, ये इंटरसेक्शन की है, यानी ये सभी ये जो पार्ट है ये आपको उस यूनियन वाले में से हटाना है, हटाना मतलब जैसे V1 V3 वाले को पार्ट को हटाना है, तो V1 V3 वाले पार्ट को V1 और V3 देखो कहाँ पे है, बोले देखो ये है V1 V3 नहीं है, V1 V3 E2 अपने यहाँ पे मिला ही नहीं था V1 V3 वाले पार्ट को, जो कॉमन पार्ट था कॉमन पार्ट कौन कौन सा था ये रहा V1 V3 E2, तो इसको देखो आपको यहां से हटाना है V1 V3 जो E2 वाला पार्ट है, एक तो इस पार्ट को हटाना है जो कॉमन पार्ट है, और कौन सा कॉमन पार्ट था बोले ये तो हट गया, एक V3 V5 और हटाना है V3 V5, तो V3 V5 मतलब क्या हो गया इसी वाली शेप में V3 और V5, यानी ये वाली जो शेप है आपके पास में इसको और हटाना था V3 V5 वाले को, और कौन सी एक बच गई V3 V5 भी हो गया, एक बच गया V2 V3, तो V2 V3 जो बच गया उसको और हटाना है, यानी V2 और V3 इसको और हटाना था, तो ये शेप जो बच गई ना आपके पास में देखो ये वाली शेप, ये रिंग सब की शेप होगी दोबारा, तो इसको हमने क्या बोलते हैं G1 वलय योग G2, इसको हम बोलते हैं G1 वलय योग यानी रिंग सम G2, क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या हो गया आपके पास में जो कॉमन पार्ट होता है उस कॉमन पार्ट को अपन क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं उसके अंदर से, तो रिंगसम वाले पार्ट में क्या है जो कॉमन पार्ट है उस कॉमन पार्ट को आप लोग वहां से हटा दो, कॉमन वाले पार्ट को एज इट इज हटा दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया आपके पास में वलय योग का काम, और इसी में अगर मान लो देखोगे तो और देख सकते हो इस वलय योग के अलावा, अब एक कोई अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं ध्यान से देखना, एक ग्राफ ले लेते हैं, देखो सबसे पहले ये V1 है, इसको मिला दी इसका नाम है V2, ये मिला दिए V3, ये मिला दिए V4, और इस ग्राफ का नाम है G1 = V1 E1। एक और ग्राफ लेना आपको अभी एजेज, अभी इसमें देख रहे हैं अपन एजेज क्या क्या लेना है, एक ले लिए V1, एक ले लिए V2, एक ले लिए V5, एक ले लिए V6, एक और ले लिए V7, इसको और मिलाती है V1 V2 जो है ये है E1, V1 V2 इसमें भी E1 ले लो, V2 और V3 नहीं है, V2 और V3 नहीं है उसमें, तो V2 V3 का नाम दे दो E2, ये E3 है और ये E4 है, और कोई सेम नहीं है ना, V1 V2 E1 नाम है उसमें,
V2 V5 नहीं मिला हुआ है तो इसका नाम कुछ भी दे दो, E4 तक यहाँ पे हो गया था, इसका नाम देते हैं E5, इसका नाम दे दिए E6, E7 और E8। ये कोई दो ग्राफ है आपके पास में, एक का नाम है G1 इक्वल टू V1 E1 और इस वाले ग्राफ का नाम है G2 इक्वल टू V2 E2। ये सारे सारे वर्टेक्स ध्यान रखना, इस वाले को जरूर ध्यान रखना, ये वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है। इसके अंदर भी देखो आपके पास में, एक तो ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये भी एक वर्टेक्स है, ये भी एक वर्टेक्स है और एक ये भी वर्टेक्स है, ठीक है। जो कॉमन पार्ट है उस कॉमन वाले पार्ट को देखो अलग से दिखा दो, ये जो है ना बस में ये कॉमन पार्ट है, ये वाला V1 और V2 जिसका नाम है E1, तो V1 V2 इसमें भी है, तो इसमें भी क्या है, ये कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है दोनों के अंदर, दोनों डायग्राम के अंदर, और कोई दूसरा कॉमन पार्ट नहीं है आपके पास में। V1 V2 E1 इसमें भी है और V1 V2 में जो है E1 इस वाले पार्ट के अंदर भी है। तो आपको तो क्या लेना है, जो कॉमन पार्ट है उसको एक बार ही बनाना है सिर्फ और सिर्फ, किसमें, यूनियन में। तो अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसका नाम है ग्राफ G इक्वल टू V1 E1, तो इस वाले का ग्राफ का नाम दे दो G1 इक्वल टू V1 E1 और इस वाले ग्राफ का नाम है G2 इक्वल टू V2 E2 V2 और E2, इस वाले ग्राफ का नाम है G2 इक्वल टू V2 E2, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफों का देखो नाम है आपके पास में। अब G2 इक्वल टू जो V2 E2 है और G1 इक्वल टू V1 E1 है, इन दोनों का देखो यूनियन निकाल रहे हैं अपन, नेक्स्ट वाले पे निकाल लेते हैं। फाइंड, सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं G1 यूनियन G2। तो G1 यूनियन G2 में सबसे पहला काम क्या होता है कि जितने भी वर्टेक्स है उन सभी वर्टेक्स को पहले लिखना होता है। टोटल वर्टेक्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वर्टेक्स है। सबसे पहले सभी वर्टेक्स को लिख लेते हैं, अपने हिसाब से कहीं भी लिख लो वर्टेक्सों को। एक वर्टेक्स ये है, 3 4 5 6 ये 7, ये 7 तो हो गए वर्टेक्स आपके पास में। 7 वर्टेक्स के बाद में इनके नाम भी है, तो इनके नाम देते हैं। सबसे पहले एक का नाम देते हैं V1, मन से देते हैं V2, इसका नाम है V3, इसका नाम है V4, इसका नाम है V5, इसका नाम है V6 और इसका नाम है V7। ये देखो सबके नाम हो गए V1 V2 V3 V4 V5 और V6, ठीक है। अब देखो इनके नाम के बाद में अब किसको किससे मिलाना है, ये देखो आप उस वाले पे चलते हैं फिर से। V1 V2 E1, तो V1 V2 दोनों में है, तो V1 V2 को देखो ये वाला मिल गया इससे, इसका नाम क्या है, बोले E1 नाम है इसका, इसका नाम आ गया देखो E1। तो जो एक बार भी मिला हुआ उसको भी हमें तो मिलाना है, V1 V2 दोनों में था इसलिए अपन मिला के दिखा दिए। V1 देखो किसी से नहीं मिला हुआ है, V1 V4 E4, तो V1 V4 से भी मिला हुआ है E4 की सहायता से, इसका नाम है आवास में E4। अब V1 का काम इस वाले में तो हो गया, अब इसी वाले में और देख लेते हैं। V2 V3 E2, इसका नाम है आवास में E2। और भी कोई बच गया क्या, V2 V3 हो गया, V3 V4 E3, ये भी तो है V3 V4 E3, V3 V4 E3, ये भी है V3 V4, इसका नाम क्या आवाज में E3, V3 V4 इसका नाम है E3। और देखो V3 V4 के अलावा V4 V1 E4 मिला दिया।
ये देखो फर्स्ट वाले सेव हो गए सारे सारे, अब सेकंड वाले में चलते हैं। तो फर्स्ट वाले देखो सारे सारे सेव आ गए, वी वन वी टू इसमें हो ही गया। अब वी टू वी फाइव, वी टू वी फाइव ई फाइव, वी टू वी फाइव ई फाइव, ये हो गया बस में ई फाइव, वी टू वी फाइव। और आ जाओ इस वाले पे, वी टू वी फाइव हो गया, वी फाइव वी सिक्स ई सिक्स, वी फाइव वी सिक्स ई सिक्स, ई सिक्स, ये वाला पार्ट भी देखो हो गया। और देखो वी सिक्स और वी सेवन ई सेवन, ये वी सिक्स वी सेवन ई सेवन, वी सिक्स और वी सेवन ई सेवन, ये जो मिला हुआ है इसका नाम है ई सेवन। और वी सेवन और वी वन भी देखो मिला हुआ है क्या, वी सेवन देखो वी वन मिला हुआ है ई एट से, तो उसका नाम भी क्या आ जाएगा ई एट, ये भी मिला हुआ है जिसका नाम क्या है ई एट। और भी कोई बच गया क्या वी फाइव वाले पार्ट या और कोई से पार्ट, ये सारे सारे पार्ट देखो हो गए। वी वन देखो वी टू और वी सेवन से, वी वन वी टू से और वी सेवन से, वी वन वी टू से और वी सेवन से, सारे सारे सेप आ गए। वी फाइव वी फोर नहीं मिले हुए हैं क्योंकि इसमें तो था आपका इसमें वी फाइव वी फोर तक था, इसमें वी फाइव इसमें वी फोर है नहीं कहीं पे। तो ये वाली देखो जो सेप बनाए हैं वो आप लोग, ये किसकी सेप है, इसी का नाम क्या होगा इसमें यूनियन, इसी को अपने क्या बोलते हैं यूनियन। क्योंकि दोनों वाली सेप में क्या होता है कि अगर दोनों में से एक जगह भी उपस्थित है तो भी आपको तो बनाना ही है उसकी सेप, आपको तो उसकी सेप बनाना ही है। अब अपन बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन के लिए, इंटरसेक्शन मतलब इन्हीं दोनों ग्राफ के अंदर अपन निकाल देते हैं अब इंटरसेक्शन, यानी अब अपन बात कर रहे हैं जी वन इंटरसेक्शन जी टू, दो ग्राफों का संग, दो ग्राफों का संग, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दो ग्राफों का संग, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट मतलब ये हो गया कि जितने भी कॉमन पार्ट है उस कॉमन पार्ट को आपको बनाना है, कॉमन पार्ट को सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम में शो करना है। अब कॉमन पार्ट कौन कौन से हैं तो उस डायग्राम में पता चलेगा, तो उस डायग्राम में देखो कॉमन पार्ट कौन से हैं, बोले यही सिर्फ और सिर्फ कॉमन पार्ट है, वी वन वी टू ई वन, वी वन वी टू और ई वन, एक तो सेप ये और एक ये, इसका नाम तो है वी वन, इसका नाम है वी टू, और इसको जो मिला रहे हो एज से, इस एज का नाम क्या होगा इसमें वी वन और वी टू वाला ई वन, तो इस एज का नाम आपके पास में है ई वन, तो ये आपके पास में है ई वन। तो ये किसके लिए है, बोले ये इन दोनों ग्राफों का क्या है कॉमन पार्ट है, ये इनके ग्राफ का क्या है कॉमन पार्ट है ये, तो ये उन दोनों ग्राफ को था आपके पास में कॉमन पार्ट। अब एक पार्ट देखो अभी अपन और देखे थे, क्या देखे थे उसके लिए कि इन दोनों ग्राफों का रिंग सम अगर निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन पार्ट होता है उसको उसमें से क्या करना होता है रिमूव करना है, उसको उसमें से हटाना है आपको जो कॉमन पार्ट है। तो कॉमन पार्ट और देख लो कि कॉमन पार्ट कौन सा है, तो वी वन और वी टू वाला कॉमन पार्ट है ई वन, तो अलग से देखो दिखा रखे हैं अपन, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इस वाले जो सेप है ये वाली सेप, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको हटाना है, तो V1 V2 जो था आपके पास में रिंगसम वाला पार्ट वो देखो रिंगसम की शेप ये है, ठीक, जो कॉमन पार्ट था V1 V2 यही तो कॉमन पार्ट था, उस कॉमन पार्ट को रिमूव कर दो, तो रिमूव कर दे क्या बच गया, बोले सिर्फ और सिर्फ ये वाली शेप बन गई। तो इसी शेप का नाम क्या हुआ इसमें G1 रिंगसम G2, इसी वाली शेप का नाम आपके पास में है G1 रिंगसम G2, देख लो आराम से देख लो, जीवन रिंगसम जी टू बोलते हैं इसी को, जो कॉमन पार्ट होता है उसको ऊपर क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं।
ठीक है, इसको बोलते हैं अपन दो ग्राफों का क्या रिंग सम। एक ग्राफ तो था जी वन इक्वल टू वी वन यू वन और एक आपस में क्या था जी टू इक्वल टू वी टू यू टू। तो उन दोनों का जब अपन रिंग सम निकालते हैं तो इसको इस तरीके से अपन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये था आपका इसमें ग्राफों पर ऑपरेशन, एक तो था आपका इसमें क्या क्या यूनियन के लिए, एक था आपका इसमें इंटरसेक्शन वाले पार्ट के लिए, और एक पार्ट किसके लिए था आपका इसमें रिंगसम वाले पार्ट के लिए। एक आपका इसमें होता है किसके लिए असंयुक्त ग्राफ के लिए, तो असंयुक्त ग्राफ वाला पार्ट और देख लो। असंयुक्त ग्राफ एक चीज और है आपका इसमें डिसजॉइंट ग्राफ, असंयुक्त ग्राफ, असंयुक्त ग्राफ, ठीक है। अब असंयुक्त ग्राफ का मतलब क्या हो गया, डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। दो ग्राफ असंयुक्त ग्राफ, दो ग्राफ असंयुक्त ग्राफ कहलाते हैं यदि दो ग्राफ डिसजॉइंट सेट, एक तो है जी वन इक्वल टू वी वन ई वन एंड एक आपका उसमें है जी टू इक्वल टू वी टू ई टू आर कॉल्ड डिसजॉइंट ग्राफ इफ जी वन इंटरसेक्शन जी टू इक्वल टू फाइव, जी वन इंटरसेक्शन जी टू इक्वल टू फाइव। तो वी वन इंटरसेक्शन वी टू भी क्या होना चाहिए, फाइव होना चाहिए। यहां वी वन इंटरसेक्शन वी टू ये भी क्या होगा, फाइ होगा। वी वन इंटरसेक्शन वी टू, जब जी वन इंटरसेक्शन जी टू का मान ही फाइ है तो इसी वाले पार्ट में तो क्या होगा, समय वी वन वी टू इसी के अंदर तो है भाई, ग्राफ के अंदर ही तो होता है, या तो वर्टेक्स या फिर नंबर ऑफ एजेज यानी कोर जिसको अपन बोलते हैं। तो अगर मान लो वी वन वी टू ही आपका समय क्या है, मतलब पूरा पूरा ग्राफ का ही मान फाइ है, तो ये तो ऑब्वियस है कि v1 v2 क्या होगा, फाई तो होगा ही होगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि एक ग्राफ के अंदर मान लो शीर्षों की संख्या आपके पास में है v1 v2 v3 v4, तो दूसरे के अंदर मान सकते हो आप क्या कि W1, W2, W3 ये सारे शीर्ष हैं आपके पास में दूसरे ग्राफ के अंदर। देखो किस तरीके से एक ग्राफ है, मान लो ये वाली कोई ग्राफ है, एक तो जो एक शीर्ष है V1, एक शीर्ष है आपके में ये V2 और एक शीर्ष है यहाँ पे V3, एक है V1 और V3 और एक आपके में फिर से V4, और एक ग्राफ ये मान लेते हैं जो वर्टेक्स जो है इसके अंदर वो W की फॉर्म में मान लेते हैं, ये है जिसका नाम है W1, ये W2, ये हो गया होगा इसमें क्या W3, ये भी मिला दो और एक और बच गया W4, ये मान लो W4। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन पार्ट है क्या, कॉमन पार्ट कैसे कि यहाँ पे देखो W1, W2, W3, W4 और यहाँ पे क्या क्या है आपका इसमें, बोले यहाँ पे तो आपका इसमें है V1, V2, V3, V4, तो दोनों का कॉमन पार्ट कुछ है ही नहीं, कॉमन पार्ट कुछ है ही नहीं ना। और इसकी शेप देखो, इसकी जो शेप है ना, इसको जस्ट अप देखो, इधर वाली जो शेप है जस्ट अपोजिट शेप है, ये सेम शेप है ही नहीं आपके पास में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ग्राफ जो है आपके पास में ऐसे ही तो ग्राफ थे, किस लिए थे, क्योंकि वी वन इंटरसेक्शन वी टू का मान देखो फाइव है। इस ग्राफ का नाम आपके पास में है जी वन इक्वल टू वी वन ई वन और इस ग्राफ